गुड मॉर्निंग एवरी वन, होप यू ऑल आर फाइन. बेटा एज यू नो दैट वी हैव डन वर्ड मीनिंग ऑफ आवर पोइम ग्रैनीज लिटिल लैपटॉप. टुडे वी विल राइट इट्स क्वेश्चन आंसर्स. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आंसर्स, पुट हियर डेट एंड डे, देन राइट हैडिंग पोइम फोर ग्रैनीज लिटिल लैपटॉप, देन राइट हैडिंग क्वेश्चन आंसर. ओके, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स, सो लिसन इट केयरफुली. फर्स्ट, How does Granny feel about her laptop? Granny अपने laptop के बारे में कैसे महसूस करती थी? Granny seems to love her laptop. She gazes at it fondly. जो दादी थी ऐसे लगता था कि laptop को बहुत प्यार करती है, पसंद करती है अपने laptop को, और इसकी तरफ वो मतलब देखती रहती थी हमेशा. फॉन्ड होते बेटा शौकीन होना किसी चीज़ के हम, ठीक है, मतलब उसे अच्छा लगता था वो लैपटॉप, तो हमेशा उसकी तरफ वो देखती रहती थी. सेकंड क्वेश्चन बेटा, लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग फर्स्ट वन क्वेश्चन आंसर. व्हाई डज नॉट ग्रैनी लाइक द माउस? जो दादी थी उसको माउस क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ माइस, क्योंकि वो हमेशा माइस से डरती थी. ठीक है, उसे उनसे मतलब उसको माइस से डर लगता था, चूहों से, इसलिए उसे जो माउस थे वो पसंद नहीं थे. थर्ड, हाउ विल ग्रैनी टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म? मतलब वो प्रसिद्ध कैसे होगी? शी विल टेक इट बाय ब्लॉगिंग अबाउट ग्लोबल इश्यूज़. ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था पोएम में कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो उसके रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में और जो सर्च करके लिखेंगी. ठीक है, ब्लॉगिंग का मतलब कि ऐड करना मटेरियल कोई. ठीक है, तो ऐसे वो प्रसिद्ध हो जाएगी. क्वेश्चन फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू डिशेस दैट ग्रैनी इज़ नोन फॉर? कौन सी टू डिशेस के लिए ग्रैनी जो थी वो जानी जाती थी कि अच्छी बनाती हैं? फिश करीज एंड फ्लैंस. ओके, राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक. ओके, एंड योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.